आज हम बात करने वाले हैं इस महल के बारे में जो कई सालों से खंडर और वीरान पड़ा है और यहाँ पे कई स्टोरी और कई कहानियां इसके बारे में बताते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मकरई महल हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के रामनगर ब्लॉक में पड़ता है और राजधानी लखनऊ से इस महल की दूरी करीब 228 किलोमीटर है। अगर आपको इस लोकेशन पर जाना है तो मैंने गूगल मैप की लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन की तो वो है अकबरपुर रेलवे स्टेशन, जो महल से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। महल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी बहती है, जिसे यहाँ के लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल मिलेगा। वहाँ पे आपको इस तरीके से दीवार में एक भूतिया छपा हुआ, जिसके बगल में दो हड्डी होंगी। इस तरीके की डिजाइन इसमें की गई है लोगों को आकर्षित करने के लिए, बाकी इसमें कोई भूत नहीं रहता। इस मकरई महल को 1937 में श्री कमलापति प्रसाद सिंह ने बनवाया था, जो कि आज 2021 में इस महल ने अपने 84 साल पूरे कर लिए हैं। यह महल पूरे 10 से 12 एकड़ में फैला हुआ है। इस महल को बनाने में रेत, लोहे की सरिया, इटालियन मार्बल, चूना पत्थर आदि का यूज किया गया है। महल के पास आपको दो मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जो कि अब खंडर में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। इसमें जो पहला मंदिर था वो था भगवान कृष्ण का, जो इसमें दूसरा मंदिर था वो देवी दुर्गा माता को समर्पित था। दोस्तों, यह मकरई महल पहले आश्रम हुआ करता था और इसकी जो अंदर से बनावट भी है वो बिल्कुल आश्रम की तरह है। इस आश्रम को बनाने का जो सबसे बड़ा मेन कारण यह था कि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नगरी बसती है, जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। और उस समय इतना सड़कों का विकास नहीं हुआ था, जिस कारण लोग पैदल या घोड़ों पर सवार होकर जंगल बीहड़ पार किया करते थे और बीच में पड़ने वाले इस मकरई महल आश्रम में विश्राम किया करते थे और अपनी रात भी बिताते थे। और इस आश्रम में उस समय भजन कीर्तन आदि भी हुआ करते थे। यहाँ पर कई पुजारी, ऋषि, मुनि, योगी आदि भी विश्राम और रहा करते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अंदर का डिजाइन देख सकते हैं, यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं। ये कमरे एक दूसरे से कनेक्ट थे क्योंकि इसमें से हवा पास हो पाए और अगर कोई व्यक्ति किसी कमरे में फंस जाए तो दूसरे कमरे से निकल सकता है। उस समय तापमान को देखते हुए ये सब रूम बनाए गए थे और बताया जाता है कि इसमें करीब 365 दरवाजे थे। तो दोस्तों, ये जो नीचे की फ्लोर पे आप देख सकते हैं कमरे बनाए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे हिसाब से उस समय शिक्षा दी जाती होगी, बच्चों को पढ़ाया जाता होगा और स्कूल भी यहाँ पे बताया जाता है कि स्कूल भी थे। दोस्तों, एक रूम के नीचे मुझे एक तहखाना सा मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये तहखाना कहाँ जाता है मुझे खुद नहीं पता। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो आंगन के बगल वाला रूम है उसी में ये बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। उस समय के देख सकते हैं अलमारियां ऐसी हुआ करती थी पहले के समय की, देख सकते हैं। ये देखिए अंदर, इसे आप बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत पुराने समय की लकड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें भी होल्स हैं और इसे किस डिजाइन से फिट किया गया होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इस महल में करीब 365 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक कमरे से दूसरे कमरे में कनेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पुराने उस समय के दरवाजे, जिससे यहाँ पे हवा अच्छी तरीके से पास हो पाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, करीब एक रूम में करीब 5 से 6 दरवाजे हुआ करते थे उस समय। और मैं आपको दिखा देता हूँ उस समय के दरवाजे, और इस समय देख सकते हैं टूट फूट चुके हैं।
यहाँ के जो भी मतलब आसपास के बच्चे हैं उन्होंने तोड़फोड़ किया है यहाँ पे काफी ज्यादा, और ये देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पानी की लीकेज आ गई जिसके कारण यहाँ पे काई भी जम चुकी है। और भी चीजें मैं दिखा देता हूँ, उस समय की जो बालकनी है, और यहाँ पे देख सकते हैं टूट फूट गया सारा सिस्टम। दोस्तों देख सकते हैं आप महल के बाहर जितनी भी खिड़कियां वहाँ पे अच्छे डिजाइन के साथ छज्जों पे काफी ज्यादा सुंदर कलाकृति बनी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं उस समय यहाँ पे पतली पतली सीढ़ियां बनाई गई थी, मतलब जो कमरे हैं उनके बीच में, और ये सीढ़ियां ऊपर के लिए जाती हैं। और दिखाता हूँ जैसा कि महल के आप देखेंगे, जब भी आप इस महल में आएंगे तो आप देखेंगे दोनों लेफ्ट और राइट पे इस तरीके का डिजाइन बनाए गए, काफी खूबसूरत लगता है अगर बाहर से आप देखेंगे। और आप उधर पोर्शन पे भी देखिए, वहाँ पे भी डिजाइन बनाया गया है। और दोस्तों कुछ लोग बताते हैं कि यह पहले स्कूल हुआ करता था, उस समय यहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। और देख सकते हैं दोस्तों इसे बनाने के लिए इसमें सीमेंट का यूज किया गया है और बालू का, मतलब रेत। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीढ़ियों का सपोर्टर है साइड में जो दिया गया है ग्रिल, उसको भी पहले कितनी अच्छी डिजाइन में बनाया जाता था, देख सकते हैं आप इस पे डिजाइनिंग। और ये देख सकते हैं उस पे एक तरीके से अच्छी मोटी मोल्डिंग लगाई गई है जो कि इसमें सीमेंट और पत्थर मिलाए गए छोटे छोटे दाने। और ये साइड में देख सकते हैं बहुत पुराने समय के ये खंडर हैं बचे हुए हैं अभी, और देख सकते हैं साइड साइड में दीवारें हैं। ये देख सकते हैं महल के पास में ही एक और एक कुछ बना हुआ है महल, छोटा सा महल बना हुआ है, तो दोस्तों उसके अंदर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। देख सकते हैं पहले के समय की छतें, इस छत का यूज किया जाता था पहले के समय में, देख सकते हैं बिल्कुल ये कर्व टाइप की है, और बीच में देख सकते हैं लोहे की रोड है और बाकी कर्व टाइप में इसे बनाया गया है, देख सकते हैं। हैं प्रेजेंट टाइम में तो कुछ सालों तक इसे स्कूल और कॉलेज की तरह भी यूज किया गया, लेकिन जब यह जर्जर और कमजोर होने लगा तो यहां से कॉलेज और स्कूल के बच्चों को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। कुछ सालों बाद यहां पे किसी ने इसका ठेका लिया और साफ सफाई कराई, और मरम्मत कराने के बाद इसे पर्यटन स्थल बना दिया गया। दोस्तों इसके खंडर और जर्जर हो जाने के कारण यहाँ पे जो 10 रुपए का टिकट लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे जो भी पर्यटक आएंगे और जो भी उससे कमाई होगी उसके जरिए यहाँ पे इसकी मरम्मत की जाएगी और देखरेख की जाएगी। और यहाँ पे जो 7 बजे के बाद एंट्री इसलिए नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं जो कि कमजोर अवस्था में है, और यहाँ पे अगर लोग आएंगे अंधेरे में तो गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, इसलिए इसे रात में बैन कर दिया गया है। और यहाँ पे और भी कोई गलत काम ना करे इसलिए इसे रात में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा महल है, यहाँ पे करीब 365 कमरे हैं जो कि काफी भयानक दिखते हैं रात में, और यहाँ पे कोई भी भूत चास या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप लोग डरे। दोस्तों आप अगर यहाँ घूमना आना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप दिन में आइए तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।